सेकेंड मॉर्निंग इन अजमेर और अभी हम जोधपुर के लिए निकल रहे हैं. पुष्कर में हमने एक स्पॉट मिस किया था, सावित्री टेम्पल, तो एक बार हम उसे देख लेते हैं एंड देन विल अपडेट यू. Savitri Temple is built on the top of Ratnagiri Hills of Pushkar and is dedicated to both the wives of Lord Brahma, Savitri and Gayatri. Tradition ke hisab se pehle mata Savitri ko pooja jata hai aur fir Gayatri ji ko. Aap chaho to track karke bhi upar aa sakte ho. Iski elevation around 750 feet hai aur view yahan se bahut amazing hai. Puri Pushkar city ko ek hi bari mein aap dekh sakte ho. अभी हम निकलेंगे जोधपुर के लिए एंड दैट्स द ट्रैक. पुष्कर से जोधपुर अराउंड 200 किलोमीटर है. रास्ता बिल्कुल सीधा है. आपको ड्राइव करके ऐसा फील होगा जैसे आप ऑटो पायलट मोड पे हो. परफेक्ट ट्रैक फॉर अ रोड ट्रिप. मैं तब तक ड्राइव कर रहा था जब तक आंखें खुली हैं और मैं एक्सेलेटर प्रेस कर सकता हूँ. उसके बाद आई एम लाइक दिस. हम जोधपुर पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी होटल ढूंढ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो आपका बंदा है नवीन रावत पीछे सो रहा है. अराउंड 1:30 हम जोधपुर पहुंचते हैं और रूम लेके थोड़ा रेस्ट करते हैं. फिर शाम का प्लान है जोधपुर जू जाने का और कैलाना लेक पे सनसेट देखने का. और जोधपुर तक जो ट्रिप है हमारी एक्चुअली वो 668 किलोमीटर की हो चुकी है. यहाँ से लेक है क्या? लेक का रास्ता? लेक का रास्ता है यहाँ से? अच्छा इधर है. अच्छा थैंक यू. थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है बिकॉज इट्स संडे और मार्केट क्लोज है. हम लेक में गए, लेक भी क्लोज थी. वहाँ से जू है, जू भी क्लोज है. सो अभी सोचा है कि डिनर करते हैं एंड आई विल अपडेट यू टुमारो. सो सी यू टुमारो. ये एक्चुअली सरदार मार्केट है जो आगे है और दिस इज क्लॉक टावर और ही इज मोहम्मद इकबाल एंड ही इज द केयर टेकर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. वो तो कभी होता है ना छोटा मोटा वो भी चलता रहता है. और पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन वी विल मूव टू मेहरानगढ़ फॉल. सो
तो अभी ब्रेकफास्ट करने हम जा रहे हैं शाही समोसा, ये बहुत फेमस है यहाँ पे, सो लेट्स ट्राई दिस। There's a hotel called Mystery Lal, और यहाँ पे look at the lassi, हाँ। It's amazing. It's a must try lassi, I would say. That's the entry door. बहुत ज़्यादा crowded है आज तो। आज Monday है ना? मंडे को भी क्राउडेड है। मेहरानगढ़ फोर्ट सिटी से अराउंड 125 मीटर्स की हाइट पे है ताकि राजा उस टाइम पे पूरी सिटी को अच्छे से देख सके। मेहरानगढ़ का मतलब है फोर्ट ऑफ द सन। म्यूजिक आ रहा है, ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, लेट्स सी। ऐसे ही स्वागत किया जाता है। ये पूरा म्यूजियम है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट वेल स्टॉक्ड म्यूजियम इन राजस्थान। हाँ, आपको बिना टिकट के म्यूजियम दिखाता हूं। ये जो आप डिवाइस देख रहे हो एयरफोन्स के साथ, शी इज यूजिंग एन ऑडियो गाइड। सिंपली हर एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट के साथ नंबर लेबल्ड है, सो यू कैन प्ले दैट नंबर और उस ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री आप सुन सकते हो। ये ऑडियो डिवाइस आपको फोर्ट पे मिलेंगे, बाकी ह्यूमन गाइड्स तो अवेलेबल हैं ही। बहुत सारी मूवीज भी यहाँ शूट हुई हैं, जैसे द डार्क नाइट राइजेस, द जंगल बुक, आवारापन, तेरे नाम, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड मेनी मोर। दैट्स द एंड ऑफ द फोर्ट। वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे चलते हैं। I'll tell you why it is called Blue City of India. Look at the view. एंड में बिल्कुल ये मंदिर है। We are done with the fort. कैसे लगा देखो? It was an amazing fort, बहुत अच्छा था और हिस्टोरिकली बहुत इंटरेस्ट है। अगर तुम कुछ पुराना हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, this is a very good place to visit. And I believe कि खत्म। So अभी हम मूव करते हैं अपने लास्ट स्पॉट की तरफ, which is जैसलमेर।